अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे लाहौरी चिकन चरखा। आप लोग की फरमाइश पर आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। चिकन चरखा के लिए 1 kg का होल चिकन हम लेंगे, उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और हम लोग इसमें डीप कट्स लगाएंगे कि जिससे हम लोग जब इसको मैरिनेट करें तो उसके मसाले अंदर तक जाएं और ये हम लोग का चिकन बहुत ही जूसी, बहुत ही अच्छा बने। ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग कितने इसमें डीप कट्स और लगा रहे हैं, ये देखिए। सबसे पहले एक बाउल में हम वाटर लेंगे, उसमें 1 teaspoon सॉल्ट और 1 teaspoon विनेगर डालकर उसको मिक्स कर लेंगे और फिर 1/2 hour या 1 hour के लिए चरगा को वाटर में डिप कर देंगे जिससे अंदर तक इसका सॉल्ट जाए और बहुत ही सॉल्टी रहे। ये मैरिनेट करने के लिए मसाला 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर, 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 हरी मिर्च पेस्ट, 2 tablespoon कर्ड, 1 lemon जूस, फूड कलर, 1 egg, 2 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon जीरा पाउडर, 1/3 tablespoon जायत्री पाउडर, 1 tablespoon जायफल पाउडर, 1/2 teaspoon काली मिर्च पाउडर, 1 teaspoon चाट मसाला, 1 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon सॉल्ट। एक बॉल लेंगे और उसमें हम लोग सारी चीज़ को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, कर्ड, कर्ड का पानी निकाल लीजिएगा, कर्ड हम लोग को ड्राई रहेगा, मिर्च के पेस्ट और सारे ड्राई मसाले, जायत्री जायफल 1/3 spoon रहेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इसमें एक एग ऐड करेंगे और हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे और फूड कलर। ये हम लोग ने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, ड्राई पेस्ट रहेगा। 1 hour डिप करने के बाद चिकन चरगा को निकाल लेंगे और इसको फूड कलर को अच्छे से लगा देंगे जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, वरना वाइट वाइट रहेगा ये। अब इसमें हम लोग मसाले को अच्छे से लगाएंगे, सारे कट्स में ऊपर बहुत अच्छे से मैरिनेट करना है चिकन को। चिकन चरगा हम लोग का मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप इसको फोर आवर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा होल नाइट रखूँगा। हमने फ्रिज से चिकन को निकाल लिया है और इसको अब हम लोग फॉइल पेपर में रैप कर देंगे जिससे स्टीम करते टाइम इसका मसाला गिरे नहीं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने रैप किया है। फर्स्टली हम लोग इसके लेग को थ्रेड से बांध देंगे जिससे फ्राई करते टाइम या स्टीम करते टाइम ये फैले नहीं। ये देखिए हम लोग थ्रेड से इसको टाई कर देंगे। और चिकन को फॉइल पेपर में रैप कर देंगे। थोड़ा मसाला मैंने इसके ऊपर से और लगा दिया है। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप रैप ना करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम लोगों ने रैप कर लिया है, अब हम लोग स्टीम करने के लिए डिक्ची चढ़ाएंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको नेट को यहाँ पे लगाया है और उसके बाद ये देखिए पानी इतना रखिएगा कि इसके नेट के ऊपर ना आए, हाफ ही रहे। गैस ऑन करके 10 मिनट के लिए पानी को बॉयल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसमें चिकन रखकर कवर कर देंगे।
ये देखिए गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग चिकन रखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से भाप निकल रही है। अब हम लोग कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 40 मिनट्स तक स्लो मीडियम आंच पे रख देंगे कि अच्छे से ये हो जाए। ये देखिए हम लोग चेक करते हैं। आप 40 मिनट्स पे चेक करके 10 मिनट्स और भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा हो गया है। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए चिकन छोड़ चुका है, अच्छे से गल गया है। अब हम लोग इसको रैप प्लेट में निकाल दिया है और कवर हटा दिया है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मेरा चिकन कम्प्लीटली हो चुका है अच्छे से। पैन में तेल गरम करके चिकन को 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टीम हो चुका है अच्छे से। तो बस हम लोग इसको टर्न करके 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन हो जाए। ये स्टेप बहुत अच्छे से आप लोग करिएगा, बहुत ही केयरफुल होकर करिएगा। चिकन मेरा गोल्डन हो चुका है, अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। देखते हैं कि चिकन कितने अच्छे से हो गया है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब इसमें हम लोग सबसे ऊपर सॉल्ट और चाट मसाला को मिक्स करके स्प्रेड कर देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप लोग घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, कोई गेस्ट आए तो उनके लिए ज़रूर ट्राई करिएगा, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है सॉल्ट को, ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला को। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिच टेस्ट है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।